वैश्विक महामारी कोरोना में जहां डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में हर व्यक्ति इनकी प्रशंसा कर रहा है और इन्हें सम्मानित भी कर रहा है। वहीं आज गिफ्ट एकेडमी स्कूल के निदेशक अमित कुमार के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य कर रहे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। वार्ड नंबर 29 के 6 सफाई कर्मियों को अमित कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। अमित कुमार ने बताया कि सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और गमछा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कहा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रहें। यदि बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। सर, आज सफाई कर्मियों को आपके द्वारा सम्मानित किया, विधिवत उनका एक जो हिंदू रीति रिवाज की तरह होता है उस तरीके से सम्मानित किया गया है। देखिए, हम सभी जानते हैं कोरोना के काल में ये कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मी। उस कड़ी में हमारी संस्था गिफ्ट एकेडमी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है और इसके पहले भी उनको मास्क और इस तरह के चीज भेंट किए गए थे और आज अंग वस्त्र और हिंदू रीति रिवाज के साथ अंग वस्त्र, साथ ही साथ सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया गया उनको। कितने लोगों के बीच में, मतलब कि ये 29 वार्ड के जो 6 सदस्य थे सफाई कर्मी, बस उन्हीं को वितरण किया गया। मतलब आपके जो स्थानीय जो सफाई कर्मी, लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, इस समय तो हमारे भोजपुर में आप समझ सकते हैं धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, शहबाद क्षेत्र में, विक्रमगंज में और भी कई जगह, पटना में तो और ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हम यही कहेंगे, जनता से एक अपील है कि हम सभी कोरोना का जो सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश है उसको पालन करें और भीड़ भाड़ वाली इलाका में न जाएं, बचे उससे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।